हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जाने वाले हैं जूनागढ़ टू सोमनाथ और सोमनाथ टू दीव। ये तकरीबन 175 किलोमीटर, हाँ अराउंड 175 किलोमीटर की पूरी रोड ट्रिप है। लेट्स बिगिन। अभी केशोद क्रॉस किया है और गड़ू के आगे एक रेस्टोरेंट है नंदनवन, यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लगाया है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, डायरेक्ट निकल गए थे। अभी यहाँ से सोमनाथ कुछ 20 किलोमीटर है, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बस जो अभी हम सोमनाथ पहुंचे हैं, अभी कुछ बजे है 10 बजे है, कोई अच्छा टाइम से पहुंच गए, ज़्यादा टाइम नहीं। सुबह हम निकले थे कुछ आठ बजे को निकले थे, 2 घंटे में पहुंच गया मैं एक बार आपको। तो अभी चलो मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता हूं, और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा मोबाइल सब बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, रिमोट की भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हो तो वो बात का ज़रूर ख्याल रखें। हमको अब देर हो रही है तो हम अभी निकलते हैं, अंदर मार्केट में नहीं जाता, मैं तो पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, पर मैंने आपको मार्केट भी दिखा दिया है कि आपको कुछ लेना है तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो अभी हम निकलते हैं। चेक इन कर लिया है, होटल का नाम है ग्रैंड हाइनेस। गुड इवनिंग एवरीवन, दोपहर को होटल पहुंचने के बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए लंच किया और फिर मैं सो गया था। अभी कुछ बजे 5, तो अभी हम बाहर निकलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। वी आर जस्ट रीच एट चक्रतीर्थ बीच। ये बहुत ही शांत बीच था, बहुत ही अच्छा था, पता नहीं क्यों ये सो पूरा तोड़ दिया, लगता है कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, वरना यहाँ पर बैठने की पूरी जगह थी और बहुत बहुत ही बढ़िया ये जगह थी, यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे। INS खुकरी इंडियन नेवी का एक जहाज था जिसके ऊपर 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सबमर्सिबल ने हमला किया था, जिसमें हमारे 176 सैनिक, 17 ऑफिसर और एक हमारे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल शहीद हो गए थे। अब इस मेमोरियल को रिनोवेट कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर बना रहे हैं। ये आगे हम बीच पर, यह है पूरा बीच, धूप है इसलिए कुछ क्लियर दिख रहा है अभी, ये है पूरा बीच, पर यहाँ पर जो Oh, 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 oh
अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया है, बाकी यहाँ पर तो अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अभी यहाँ से आगे एक जगह है गंगा सागर, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है जो 5 पांडवों ने बनाई थी अपने हाथों से, तो चलो वो देखने चलते हैं। देखा भी और सुना भी है कि वो जो शिवलिंग है उसके ऊपर तक पानी आ जाता है, तो बहुत बहुत अच्छी जगह है। मैं बहुत चाहता हूँ कि आप कभी भी दीवा हो तो ये जगह पर जरूर विजिट कीजिए। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट, एक और बीच है जलंधर बीच, वहाँ पर अब जाएंगे, वो बीच एक्सप्लोर करते हैं। बस अभी जलंधर बीच पहुँच गए हैं, दिस इज द जलंधर बीच। यहाँ ऊपर कुछ बैठने की थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मुझे बीच ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं डायरेक्टली बीच पे ही आ गया। शाम के 7 बजे है, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया बीच था, एकदम चिल करने जैसा बीच था। यहाँ पर शांत बीच है, बहुत कम लोग भी है इसलिए बीच शांत है और एकदम क्लीन बीच है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कुछ बैठने की जगह है, तो चलो वहाँ पर देखते हैं क्या है। चलिए गाइस, तो अभी यहाँ से जाने का वक्त हो गया, अभी शाम के 8 बजे है और बहुत अच्छी जगह थी, मैंने तो पूरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। बहुत बहुत प्यारी जगह है, मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक बार आप यहाँ पर आइए, बहुत अच्छी जगह है जलंधर बीच, याद रखिए। अभी मैं आया हूँ बंदर चौक, मेरी होटल से वॉकिंग डिस्टेंस ही है बंदर चौक। यहाँ पर मार्केट एक जमा होती है कपड़ों की, खिलौने की, सब कुछ, तो मैं एक आपको वो दिखा देता हूँ मार्केट। बंदर चौक सर्कल से थोड़ा ही आप आगे आओगे तो ये है, मेरे पीछे जो है वो मार्केट है, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। अभी तो शाम का वक्त है इसलिए भीड़ कम है और ये लोग भी जाने का कुछ सब पैकिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, अगर आपको सस्ते कपड़े चाहिए तो ये मार्केट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये सब खिलौना बच्चे के लिए, बुक्स वगैरह सब कुछ, ये है पूरा चॉकलेट के लिए, चॉकलेट काउंटर। आप अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ भी लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ मिल। अच्छा है हम रात के वक्त आए, क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं मार्केट को पूरा। तो ये छोटा सा एक वॉक अराउंड था मार्केट में, तो अभी आपने मार्केट देख ली, तो अभी वापस हम चलते हैं। कपड़ों के मार्केट के बगल में ही एक स्ट्रीट फूड का भी मार्केट है, यहाँ पर पूरा सब कुछ स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा।
मेरे अभी आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये पूरा वेज काउंटर है और इस तरफ पूरा नॉन वेज है, तो आपको वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। होटल पहुँच के जस्ट अभी फ्रेश होके निकला हूँ, अभी डिनर के लिए नीचे रेस्टोरेंट में देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद कल के लिए, कल क्या एक्सप्लोर करना है, क्या करना है उसके लिए प्लान बनाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कल मिलते हैं, गुड नाइट।